चलो यहां पे चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू हम देख रहे हैं। ध्यान से देखो चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 10 एमसीक्यू नंबर 1। आपको ऐसा बोला गया है कि स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थियोरी ऑफ न्यूटन 4 लाइट जो है वो न्यूटन की पार्टिकल की थियोरी के मुताबिक क्या है, मोर इन रेरर मीडियम एंड लेस इन डेंसर। रियलिटी में आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दैट इज वी इज इक्वल टू सी बाय एन। तो हमको ऐसा पता होना चाहिए कि भाई लाइट की स्पीड रेरर मीडियम में ज्यादा होती है, वी ज्यादा इन रेरर मीडियम एज कंपेयर टू डेंसर। ओके, तो रेरर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों जाती है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई लाइट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत काम आएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डैश गिव द कंसेप्ट ऑफ वेव थियरी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। वेव थियरी किसके दी, हाइगेंस। तो आपको पता होना चाहिए हाइगेंस प्रपोज वेव थियरी ऑफ लाइट। फोर्थ एमसीक्यू, इन द वेव प्रोपोगेशन फिनोमिनल फेज डिफरेंस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग डिस्टेंस लैम्डा फ्रॉम ईच अदर। सी, इन द वेव प्रोपोगेशन फिनोमिनल फेज डिफरेंस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग डिस्टेंस लैम्डा फ्रॉम ईच अदर। फेज डिफरेंस याद रखना, यहां पे दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा। दो पार्टिकल के बीच का डिफरेंस कितना है, लैम्डा। ये दो पार्टिकल के बीच का डिफरेंस लैम्डा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल का इस पार्टिकल का जो वेव होगा वो यहां से निकलेगा, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में क्या हुआ, जीरो। तो अगर दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। अगर दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा, देन फेज डिफरेंस ऑलवेज विल बी जीरो। फेज डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर का द लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट एंड विच रिप्रेजेंट्स प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज। सी, आपको पता है कि कोई भी सपोज कि ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स में से जो स्फेरिकल वेव्स बाहर निकलते, तो उसके परपेंडिकुलर जो
जो लाइन होगी वो आपको क्या बताएगी वे। या तो सपोज की ऐसे प्लेन वेव फ्रंट है, कैसे वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट में भी जो परपेंडिकुलर उसके परपेंडिकुलर जो प्रोपोगेशन बताएगा वो क्या होगा रे। रे क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रे व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेव, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेव। ओके, तो ये क्या बताता है, रे बताता है। उसके बाद सिक्स नंबर का एमसीक्यू देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी इज दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। हाइगेंस की वेव थ्योरी हर एक प्रकार के वेव के ऊपर क्या है, एप्लीकेबल है। दूसरा, लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट्स अ वेरी टू स्मॉल वेवलेंथ। द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट लार्ज डिस्टेंस इज एप्रोक्सीमेटली मोस्ट टाइमली द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट लार्ज डिस्टेंस इज एप्रोक्सीमेटली प्लेन। लार्ज डिस्टेंस पे वेव फ्रंट का शेप ऑलवेज क्या हो जाता है, प्लेन वेव फ्रंट। ओके, लिमिटेशंस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल इज एक्सप्लेन बाय, ये मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू, लिमिटेशंस ये सब याद रखने वाले हैं, रट्टा मारने वाले हैं। लिमिटेशंस ऑफ हाइगेंस वेव थियरी वॉज एक्सप्लेन बाय दो साइंटिस्ट ने हाइगेंस की वेव थियरी का लिमिटेशन एक्सप्लेन किया था। उसमें एक का नाम यहाँ पे याद रखना, तो उसने यहाँ पे एक तो विभाग की तरह दूसरा क्या लिया, किरचॉफ लिया, किरचॉफ यहाँ पे आ गया था। उसके बाद क्या एमसीक्यू, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये इक्वेशन मैंने थियरी के स्टार्टिंग में चलाया था। ओके, उसके बाद हाइगेंस प्रिंसिपल कैन नॉट एक्सप्लेन, सी हम लोग आगे पढ़ेंगे या तो हमने पढ़ ली है, हाइगेंस प्रिंसिपल कांट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाइगेंस प्रिंसिपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता नहीं है। उसके बाद फेज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रैश एंड ट्रफ फॉर एनी वेव समझ रहे, ये वेव है उसमें फेज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रैश एंड ट्रफ समझ ना जाए, ये मेरा क्रैश है ये ट्रफ है, उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस पूछा गया है, क्रैश और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और क्रैश, क्रैश और ट्रफ, तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रैश और ट्रफ इज ऑलवेज पाई बाय 2। समझ, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक फेज डिफरेंस पाई है, लेकिन क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2। फेज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड
ओके। तो ये 10 एमसीक्यू जो है वो नॉर्मल लेवल के एमसीक्यू, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि थियरी टाइप एमसीक्यू, कैसे थियरी। उसके बाद ध्यान से हमारे पास तो मेजोरिटी कौन सा सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, कोहरेंट एंड इनकोहरेंट एडिशन ऑफ वेव्स, ये सबसे बढ़िया है। ध्यान से सुनो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कोहरेंट एंड इनकोहरेंट फोर्सेस, कोहरेंट फोर्सेस मतलब क्या, जिसमें फेज सेम हो उसको कोहरेंट फोर्सेस बोलते हैं, अलग अलग वेव के फेज सेम हो उसको कोहरेंट फोर्सेस बोलते हैं, और जिसमें फेज सेम नहीं होते उसको इनकोहरेंट फोर्सेस बोलते हैं। अभी कोहरेंट सोर्सेस और इनकोहरेंट सोर्सेस के बेस पे कुछ एमसीक्यू, कुछ न्यूमेरिकल्स भी है जो आपकी एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिए नहीं है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड ऑन कोहरेंट एंड इनकोहरेंट सोर्सेस, सपोज के हम 11 नंबर का एमसीक्यू लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स E1 is equal to 4 sine omega d दिया है, और E2 is equal to 3 sine omega t plus pi by 2 दिया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव क्या हो, सी ध्यान से समझना, मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ध्यान से समझना। सी यहां पे पर्टिकुलर ये जो इवन वेव है उसका एम्पलीट्यूड 4 है, जिसको मैं नाम दे देता हूं A1। ये इवन वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड 3 है, जिसको मैंने नाम दे दिया A2। इन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है। कैसे पता चला, रियलिटी में ये ओमेगा टी प्लस 0 है और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। तो हियर एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू 3 एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाय। नाउ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव कौन से इक्वेशन से होगा, A इज इक्वल टू यहां पे A1 square प्लस A2 square प्लस 2A1A2 cos डेल्टा, A1 square प्लस A2 square प्लस 2A1A2 cos डेल्टा। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू A1 square, A1 मतलब क्या हुआ, A1 कितना है मेरे पास 3 और A2 मेरे पास क्या है A1 4 है और A2 3 है, तो 4 square प्लस 3 square प्लस 2 into 4 into 3 और cos डेल्टा मतलब कितना हो पाई बाय 2। अगर ये cos पाई बाय टू क्या होता है 0, तो 4 का square 16, 3 का square 9, 16 plus 9 25, 25 का square root 5। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल एम्पलीट्यूड कितना आया 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आ रहा है समझ में, देखो इसको। उसके बाद वाला एमसीक्यू रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू कोहरेंट सोर्सेज इज 5:2। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू कोहरेंट सोर्सेज, मैं एम्पलीट्यूड को E1 by E2 भी ले सकता हूं, 5:2 है, यानी E1 by A2 भी मैं ले सकता हूं। अब उसने ऐसा पूछा है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस ऑफ कंसेक्यूटिव एंड डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर स्टेशनरी इंटरफेरेंस ऑफ दिस वेव इज, समझना चाहिए, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू कोहरेंट सोर्सेज
is 5:2, तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर स्टेशनरी इंटरफेरेंस ऑफ दिस वेव इज, ध्यान से समझना, कंस्ट्रक्टिव के लिए आई मैक्सिमम मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए आई मिनिमम मिलेगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता दूं। मुझे आई चाहिए इंटेंसिटी। अब आपको पता है कि आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। इसको आप एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, a1 = a2 बराबर। अब मैं क्या ऐसा कर सकता हूं, a1 + a2 = 5 + 2 / 5 - 2। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने कंपोनेंट का डिविजिबल लिया a1 + a2 / a1 - a2 / 5 + 2 / 5 - 2। क्या मैं a1 + a2 जो है, अच्छा पहले यहां पर देखिए, ये a1 + a2 / a1 - a2 5 + 2 = 7 हुआ, 5 - 2 क्या हुआ, 3 हुआ। ओके, अब मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड, तो क्या मैं यहाँ पे a1 + a2 / a1 - a2 = 7 / 49 और 3 + 9 कर सकता हूं। बट वी नो दैट a1 + a2 का स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, आई मैक्सिमम हो गया, और यहाँ पे a1 - a2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आई मिनिमम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि i_maximum = 49/9, ये मुझे इंटेंसिटी का रेशियो मिल गया। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू के अंदर। उसके बाद एक एमसीक्यू है, इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेस, तो उसको अलग से लिखते हैं, ध्यान से देखो, इसको इरेज कर देता हूं। 13 नंबर का एमसीक्यू, इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेस, आपको इसमें एक ही बात याद रखनी है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। 13 नंबर का इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज आर डिफरेंट एंड वेव्स एमिटिंग फ्रॉम सोर्सेज एक्सपीरियंस इंटरफेरेंस इफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज 25। यहां पे उसने ऐसा बोला है कि आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 25 है। अगर ये रेशियो 25 है देन इंटेंसिटी ऑफ सोर्स कितना होगा, बराबर है, इंटेंसिटी ऑफ सोर्सेस का रेशियो कितना, मतलब कि इफ आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज 25 देन जो सोर्सेस है उसकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा, बोलो क्या है, सोचो। मुझे पता है कि आई मैक्सिमम इज नथिंग बट a1 + a2 का स्क्वायर, क्या ही मुझे पता है, एंड आई मिनिमम इज नथिंग बट a1 - a2 का स्क्वायर। ओके, तो आई मैक्सिमम की जगह पे मैंने a1 + a2 का स्क्वायर रखा, आई मिनिमम की जगह पर मैंने a1 - a2 का स्क्वायर रखा, = 25। टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ दिस साइड, मैंने दोनों साइड क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेना तो यहाँ पे a1 + a2 a1 - a2 = क्या होगा, 25:1 क्या होगा यहाँ पे, 25:1। अब मैं क्या करता हूँ, वापिस कंपोनेंट डिवीजन, यहाँ पे a1 + a2
ये नीचे वाली टर्म ऊपर माइनस ऊपर प्लस करता हूं और वापिस ऊपर वाली टर्म नीचे लिख रहा हूं ए वन प्लस ए टू और नीचे वाली टर्म माइनस है, तो यहां पे क्या होगा 25 प्लस 1 और यहां पे क्या होगा 25 माइनस 1। तो यहां पे मैं अगर देखने जाऊं तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए वन माइनस ए टू डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू माइनस ए वन प्लस ए टू, ए वन कट ए टू कट और यहां पे क्या होगा 26 और यहां पे क्या होगा 24। तो ए वन प्लस ए वन 2a1 और ए टू प्लस ए टू 2a2 इज इक्वल 26/24। यहाँ पे टू टू क्या हो गया कट। मुझे क्या चाहिए आई वन एंड आई टू, देखो यहाँ अब ये ए वन ए टू है 26/24। ओके इसको थोड़ा सा अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये 2 13 26 और ये 2 12, तो ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू 13/12। अच्छा स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड, दोनों साइड हमको तो क्या करना है स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड। क्यों क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो ये ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर इज इक्वल 169 अपॉन 144, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो ये आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू 169 अपॉन 144। रीजन आपको लिखना है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या मैं जो बोला वो समझ में आया, हमने एक जगह पे गलती की है, ये ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर 25 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे आंसर में यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या आएगा 5 प्लस 1, ये 5 माइनस 1, फिर 5 प्लस 1 क्या होगा 6 और 5 माइनस 1 क्या होगा 4, तो ये क्या होगा 6। मतलब गलती सिर्फ यहाँ पे है, तो ये क्या होगा 2 3 6 और ये क्या होगा 2 2 4, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3/2, तो यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे क्या होगा 9/4 आ जाएगा। ओके ये क्या आ जाएगा 9/4। ओके चलो उसके बाद एक नया एमसीक्यू, ध्यान से देखो। In Young's experiment, ratio of maximum and minimum intensity of fringe is 9:1. तो amplitude का ratio ढूंढने को बोला है। Ratio of amplitude of superposing waves. See, उसने क्या बोला है? Maximum and minimum intensity. Maximum and minimum intensity उसने बोला है 9:1. क्या बोला उसने? Maximum and minimum intensity का ratio 9:1. रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिंग वेव्स, सुपरपोजिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या आई मैक्स और आई मिनिमम दिया हुआ, आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो दिया हुआ है, तो मुझे क्या लिखना है ए वन एंड ए टू। बोल वापिस से क्या करेंगे, यहाँ पे आई मैक्स पता है आपको, आई मिनिमम सी वी नो दैट, We know that I proportional to क्या होता है a square, तो I max मतलब यहाँ पे क्या होगा a1 वन प्लस ए टू का स्क्वायर और I minimum यहाँ पे क्या होगा a1 वन माइनस ए टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 9:1। टेकिंग स्क्वायर रूट तो यहाँ पे क्या होगा ए वन प्लस ए टू अपॉन ए वन माइनस ए टू इज इक्वल टू 3:1। फिर यहाँ पे क्या होगा कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड ए वन प्लस ए टू प्लस ए वन माइनस ए टू डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू माइनस ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू ये 3+1 और ये 3-1, यहाँ पे ए टू ए टू कट हुए ए वन ए वन कट हुए, तो यहाँ पे 2a1 डिवाइडेड बाय 2a2 इज इक्वल 4/2, 2 2 कट हुआ तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू
एक ही प्रकार के एमसीक्यू है ये सब। उसके बाद देख लो यहां कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2L प्लस 1 पाई और कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n पाई 2n पाई। याद रखना डिस्ट्रक्टिव के लिए 2L प्लस 1 पाई है और कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n पाई है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके तो ये सब जो फिनोमिना, ये सब जो घटनाएं हैं वो किसके ऊपर की है? कोहरेंट सोर्सेस के ऊपर की घटना है एमसीक्यू से।